नमस्कार, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के काफिले में चल रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंबाला में अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में फायर विभाग के धमोली माजरी गांव निवासी फायरमैन विक्रमजीत बख्शी और मंगलई गांव निवासी फायर ऑपरेटर नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें से विक्रमजीत की गंभीर हालत को देखते हुए चंडीगढ़ PGI रेफर कर दिया। हादसा सहा नारायणगढ़ रोड पर हुआ। फायर स्टेशन ऑफिसर रामकरण ने बताया कि गवर्नर का काफिला करनाल से पंचकुला जा रहा था। अंबाला कैंट स्टेशन की गाड़ी दिनारपुर से काफिले संग जुड़ी थी। जैसे ही सहा के पास पहुंचे तो हादसा हो गया। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सहा थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि VIP ड्यूटी चल रही थी। इस दौरान गाड़ी में कोई दिक्कत आई और गाड़ी पलट गई। इसमें 2 कर्मचारी थे जो घायल हो गए। इन्हें नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। ये एक VIP ड्यूटी चल रही थी, गवर्नर साहब का प्रोग्राम था, तो उनके पीछे हम एज सिक्योरिटी रीजन से उनके पीछे लगाई हुई थी। तो कुछ गाड़ी के अंदर कमी आ गई थी जिसपे अनबैलेंस होके ये पलट गई है, जिसमें हमारे 2 जो गाड़ी के कर्मचारी थे उनको चोटें आई हैं और उनको सेफली निकाल कर PCR के अंदर डाल के उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जो वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।